गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम JOAIT जो हमीरपुर बोर्ड की पोस्ट निकली हुई है, टोटल अप्रॉक्सीमेटली 1800 पोस्ट हैं, उनकी तैयारी जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो आज का जो ये हमारा लेक्चर है, इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना सा है कि हमने टोटल ये डिस्कस करना है कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आपको कंप्यूटर में प्रिपेयर करने हैं, कि जहाँ से आपके जो क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं। जैसा आप सबको पता है कि टोटल 170 क्वेश्चंस आने हैं, और 170 क्वेश्चंस में से जो टोटल क्वेश्चंस कंप्यूटर के आएंगे, दैट इज 120। क्लियर? सो आप ये टारगेट लेके चलिए कि 120 में से हमें 100 प्लस क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। सो इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस, अगर आपने 100 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 120 में से, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि आपको हर कंप्यूटर का एक छोटे से छोटा टॉपिक भी जो है वो पिक करना है और उसको स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद आप MCQs पे जाइए और MCQs करिए उसके। क्लियर? तो मैं भी आपको प्रेपरेशन जो है वो ऐसे ही करवाऊंगा। एक लेक्चर जो फर्स्ट लेक्चर होगा हमारा, वो होगा किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, और उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को। क्लियर? आज मैंने सिर्फ आपके साथ जो है वो सिलेबस को ही डिस्कस करना है। सिलेबस डिस्कस करने के बाद हम क्या करेंगे, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स या फिर फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर, हम नई जब दूसरा लेक्चर हमारा जब भी होगा, तब उस लेक्चर में हमने क्या करना है, जो टॉपिक्स में आज आपके साथ डिस्कस करूंगा उस टॉपिक को हमने प्रिपेयर करना है, और प्रिपेयर करने के बाद उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, और डिटेल में स्टडी करने के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस पर्टिकुलर लेक्चर में हम जो प्रीवियस टॉपिक हमने किया होगा उससे रिलेटेड हम MCQs करेंगे। क्लियर? और MCQs हम डिटेल में करेंगे, बट मैं MCQs आपको तभी करवाऊंगा किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के, जब हम उस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके होंगे। क्लियर? तो सिंपल सी चीज है, पहले टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है और MCQs जो है वो उसके बाद करने। आज मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो आपके साथ टॉपिक्स शेयर करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने हैं इन ऑर्डर टू प्रेपरेशन ऑफ JOAIT, जो पोस्ट कोड आपका 817 है। ठीक है जी? इसमें देखिए, ये कुछ टॉपिक्स जो हैं वो मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं, जो आप ये ले सकते हैं कि JOAIT का सिलेबस है। फिर भी जैसे जैसे कुछ टॉपिक्स और हमें याद आएंगे, या आपके माइंड में कोई और टॉपिक हो, तो आप वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जो भी हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, वहाँ पे आप वो टॉपिक शेयर करिए। किसी टॉपिक को आपको समझना है तो आप टॉपिक का नाम लिख दो, उस टॉपिक को हम डिटेल में जो है वो स्टडी कर लेंगे। बट आज का जो ऑब्जेक्टिव हमारा है, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमें सिर्फ ये डिस्कस करना है कि कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ें कि जहाँ से क्वेश्चंस जो है वो बन जाएं। और आप सबको पता है कि टोटल 1800 पोस्ट हैं, और एप्लीकेंट्स जो हैं वो 2 लाख से भी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन होगा, अगर जहाँ और जिस भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में कंपटीशन होता है, वहाँ पे उसका स्केल जो है वो थोड़ा सा हाई कर दिया जाता है कि पेपर जो है वो टफ आएगा। क्लियर? और दूसरा, जो बोर्ड के अकॉर्डिंग सिलेबस है, वो सिलेबस क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो बोर्ड ने जो सिलेबस मेंशन किया है वो सिलेबस है जो +2 में कंप्यूटर पढ़ते हैं स्टूडेंट, एक वो सिलेबस है जिसको हम इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस बोलते हैं, दैट इज IP। और जो सिलेबस कोपा में, दैट इज जो ITI में कंप्यूटर कोर्स करवाया जाता है, एक कंप्यूटर का, जिसको बोलते हैं कोपा, दैट इज कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, उनका जो सिलेबस है, तो एक वो सिलेबस कोपा का सिलेबस, और एक जो आपका +2 में जो कंप्यूटर पढ़ते हैं स्टूडेंट उसका सिलेबस, इन दोनों के सिलेबस को मिक्स करके आपको जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैंने भी यहाँ पे उन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर करके ये थोड़ा सा जो है वो सिलेबस बनाया हुआ है, जहाँ से आपको JOAIT के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। आज हमने सिर्फ ये डिस्कस करना है कि कौन कौन से टॉपिक हैं, और जो क्वेश्चन, जो फर्स्ट पॉइंट है उसको मैंने थोड़ा सा जो है वो इलेबोरेट किया है। क्लियर? सो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर क्या है, कि कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है, कंप्यूटर का क्या काम है, कंप्यूटर के क्या बेनिफिट्स हैं, कंप्यूटर को हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है जी? सेकेंड टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, दैट इज कंप्यूटर स्टार्ट प्रोसेस। कंप्यूटर जब हम स्टार्ट करते हैं, तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में जो टर्म्स यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। जैसे आप सबने सुना होगा कि बूटिंग, तो बूटिंग क्या है बेसिकली,
बूटिंग क्या होती है, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, जैसे पावर ऑन किया तो बूटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे बूटिंग से आपको कई क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। सो जब हम यहाँ पे बूटिंग टॉपिक से रिलेटेड एक लेक्चर में आपको शेयर करूंगा, तब हम बूटिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे बूटिंग है तो बूटिंग क्या है, कोल्ड बूटिंग भी होती है, हॉट बूटिंग भी होती है, कोल्ड बूटिंग कब होती है, हॉट बूटिंग कब की जाती है, फिर एक पोस्ट है, पोस्ट टेस्ट है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसको क्यों यूज करते हैं, बूटस्ट्रैप लोडर है इसका क्या काम है। तो ये सारी चीजें कब हम पढ़ेंगे, जब हम कंप्यूटर स्टार्ट प्रोसेस वाला टॉपिक जो करेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जैसे इंटेलिजेंस है, ठीक है, क्या है इंटेलिजेंस, क्या काम करती है, वर्सेटाइलिटी, स्पीड, एक्यूरेसी, ये सारी की सारी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू देयर साइज, साइज के अकॉर्डिंग कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन, जैसे सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, नोटपैड कंप्यूटर, ठीक है जी। और एक यूज के अकॉर्डिंग कंप्यूटर की कैटेगरीज होती हैं और क्लासिफिकेशन होती हैं, जैसे कि डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर क्या है, और ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर भी हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, 101%, दो या तीन न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको, क्वेश्चंस जो हैं वो आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। वहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो सबसे पहले कंप्यूटर बना था वो कौन था, किस जनरेशन में कौन सा डिवाइस बना था, जैसे मैं बात करूँ फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन जो करंटली रनिंग है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे और टॉपिक वाइज टॉपिक जो है वो मैं आपको इसको कवर करवाऊंगा। जैसे हम एक टॉपिक डिटेल में पढ़ लेंगे उसके बाद हम के एमसीक्यूज करेंगे। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की, इंटरनेट कैसे बना, कैसे कैसे इंटरनेट बना और इंटरनेट में कौन कौन सी टर्म्स यूज की जाती हैं, उनका क्या मतलब होता है। जैसे सर्च इंजन है, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन है, कई बार ऐसे बन जाता है कि चार ऑप्शंस दिए होंगे, उन चारों में तीन ऑप्शन जो है वो सर्च इंजन की होंगी, एक ऑप्शन सर्च इंजन की नहीं होगी। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कौन कौन से सर्च इंजन जो है वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जैसे गूगल, याहू, विंग, ये सारे सर्च इंजन है। तो कुछ एक ऐसा डाल देंगे जो सर्च इंजन नहीं होगा। ब्राउजर, सारे ब्राउजर्स आपको पता होना चाहिए, URL, www, HTTP, HTTPS, FTP, IP addresses, DNS extension, etc. ये सारे टॉपिक जो है वो हम कवर करेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि JOEIT जब भी आप प्रिपेयर करेंगे तो आपने दो टॉपिक जो है वो बड़े ढंग से करने, एक एमएस वर्ड और एक एमएस एक्सेल, जो मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा भी। उसका एक रीज़न है क्योंकि JOEIT जो आपका काम है, जब आप सरकारी ऑफिस में कहीं पे ड्यूटी ज्वाइन करते हैं तो आपको काम जो है वो एमएस वर्ड और एक्सेल में ही करवाया जाता है आपसे। तो बेसिकली जो ज़्यादा पोर्शंस मेरे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस यहाँ पे ज़्यादा आएंगे आपको, वो आएंगे एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल से। पावर पॉइंट के भी आ सकते हैं, एमएसएसएस के भी आ सकते हैं। सो जो एमएस ऑफिस पूरा पैकेज है उसको आपने पूरा प्रिपेयर करना है और टर्न बाई टर्न मैं आपको करवाऊंगा भी। एक लेक्चर रखेंगे हम एमएस वर्ड पर, फिर दूसरा रखेंगे हम एक्सेल पर, फिर पावर पॉइंट पर, फिर एसएस पर, और उनसे रिलेटेड ही हम फिर एमसीक्यूज भी करेंगे। नेक्स्ट 10th जो है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, माइक्रोसॉफ्ट कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करता है, विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, लाइनक्स क्या है, यूनिक्स क्या है, मोबाइल्स के जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन उन पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करता है, कंपनीज कौन सी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम डिस्कस करेंगे तब पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, हालांकि इतना डिटेल में आपको वहां से नहीं पूछा जाएगा, बट टच जरूर किया जाएगा टॉपिक, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम प्रेपरेशन जो है वो करेंगे, अलॉन्ग विद द ट्रांसलेटर्स, जैसे ट्रांसलेटर्स की बात करूँ, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, तो इनको हम डिटेल में प्रिपेयर करेंगे और उसकी हिस्ट्री भी आपको आ सकती है। नेक्स्ट है MS-DOS, MS-DOS क्या होता है और उसकी हिस्ट्री क्या है, MS-DOS की कुछ बेसिक कमांड्स होती हैं, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड, दुनिया भर की कमांड्स हैं, बट आपने यहाँ पे और आपको जो है वो मैं करवाऊंगा वो बेसिक कमांड करवाऊंगा जो आपको पेपर में आ सकती हैं। बाइनरी नंबर से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे कि एक डेसिमल नंबर दिया होगा उसमें से आपको बोलेंगे जिसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करो, या बाइनरी नंबर दिया होगा उसको आपको बोलेंगे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करो, ऑक्टल नंबर कन्वर्जन्स होती हैं, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन्स हैं, बाइनरी नंबर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, कॉम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट है, टूज कॉम्प्लीमेंट है, एट्स सॉरी नाइन्स कॉम्प्लीमेंट होता है और टेंथ कॉम्प्लीमेंट भी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें करनी है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर
सीईओ, जैसे अमेजोन है तो अमेजोन का सीईओ कौन है, फ्लिपकार्ट है तो फ्लिपकार्ट कहाँ की कंपनी है, इसका सीईओ कौन है, गूगल है कहाँ की कंपनी है, इसका सीईओ कौन है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स जो है वो मार्केट में पता होनी चाहिए। इस पर भी हम एक लेक्चर जो है वो अलग से करेंगे। बेसिक ऑफ DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, क्या ये काम करता है, कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स इसमें यूज़ होते हैं, एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। हालांकि आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आप एसक्यूएल बनाइए, कि कोई क्वेरी आप लिखो, बट क्वेरी में कौन कौन सी कमांड किस किस कैटेगरी में आती है वो आपसे पूछी जाएंगी। एज वी नो कि एसक्यूएल जो है वो तीन पोर्शन में डिवाइड किया जाता है, एक DML, DDL और DCL। क्लियर, कौन सी कमांड किस कैटेगरी में आती है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज 16 लेटेस्ट ट्रेंड्स इन कंप्यूटर एंड IT। कंप्यूटर और IT में जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं वो कौन कौन से ट्रेंड्स होते हैं, ठीक है, कि आजकल लेटेस्ट मार्केट में क्या चल रहा है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट वाला, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क में आप क्या क्या पढ़ते हैं, IP एड्रेसेस होते हैं, OSI मॉडल से क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, टोपोलॉजीज हैं, टोपोलॉजीज क्या हैं, कौन सी टोपोलॉजी कैसे काम करती है। सो जब भी नेटवर्क का हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, जब भी करेंगे, तो मैं आपको नेटवर्क जो है वो डिटेल में कराऊंगा। करने के बाद जैसे एक टॉपिक हम डिटेल में करेंगे, उसके बाद हम उसके MCQs करेंगे, तो प्रोसेस भी यही होना चाहिए। ऐसे मेरा अपना मानना है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ऐसे मान लीजिए आप MCQs 2000 MCQs कर लो आप कंप्यूटर के, बड़ी मुश्किल से उसमें से 10 या 5% जो है वो प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चंस आने की। बट जब आप किसी टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं और उस कंप्यूटर का उस टॉपिक का आप नॉलेज रखते हैं, तो वहाँ से आपको जो मर्जी पूछा जाए आप उसका आंसर जो है वो दे सकते हैं। लास्ट टॉपिक है दैट इज़ नेक्स्ट फाइल एक्सटेंशंस होते हैं। हर फाइल का एक अपना एक्सटेंशन होता है, कि MS वर्ड में जब आप 2003 में कोई फाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, जब आप 2007 में फाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या है। सिमिलर एक्सेल में भी 2003 एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो उसका फाइल एक्सटेंशन क्या है, जब 2007 यूज़ कर रहे हैं तो उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, एरर्स क्या हैं, कितने टाइप के एरर्स होते हैं, जैसे वॉर्म है, लॉजिकल लॉजिकल वॉर्म एरर है, नेक्स्ट है आपके पास ट्रोजन हॉर्स है, स्पैम है, ये सारे क्या हैं, कैसे काम करते हैं। मेमोरी यूनिट से एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, जी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बिट होता है, सबसे लार्जेस्ट 1 GB है, 1 GB के बाद TB भी है, TB के बाद और भी अदर जो मेमोरी यूनिट्स हैं वो जो मार्केट में अवेलेबल हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे एक निब्बल है तो निब्बल में कितने बिट्स होते हैं, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, आपको ये भी पूछा जा सकता है जी 1 GB में कितने बिट्स होते हैं, तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हम सीखेंगे। तो ये थोड़ा सा जो सिलेबस है मैंने अपने अकॉर्डिंग या अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है वो JOAIT के लिए प्रिपेयर किया है। बट अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई टॉपिक स्किप है तो वो आपने मेंशन करना है, उस टॉपिक को भी हम यहाँ पे एंटर करेंगे, और जो बाद में मुझे लगेगा कि कोई टॉपिक स्किप हो गया तो उसको मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँगा। क्लियर, तो आज का जो हमने सिर्फ इतना सा ही डिस्कस करना है। दूसरा एक थोड़ा सा ये जो फर्स्ट टॉपिक है इसका मैं आज आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, कि दैट इज बेसिक ऑफ कंप्यूटर में आप क्या पढ़ते हैं, ठीक है, इसका भी मैं थोड़ा सा आज रफ सा ही आइडिया दूंगा, इसको हम फिर से डिटेल में पढ़ेंगे जब भी हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कवर करेंगे उसके बाद। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट टॉपिक था आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग बेसिक ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो प्रोसेसिंग करता है, किसकी, डेटा की प्रोसेसिंग करेगा, जो हम इनपुट एंटर करते हैं, और जो डेटा हम एंटर करते हैं उसको हम बोलते हैं रॉ फैक्ट्स, ठीक है, वो क्या होता है रॉ फैक्ट्स, और उसको हम इनपुट भी बोलते हैं। प्रोसेसिंग के बाद हमें कंप्यूटर क्या प्रोवाइड करता है, इन्फॉर्मेशन, और उस इन्फॉर्मेशन को हम एज ए रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं और एज ए आउटपुट उसको हम कहीं पे स्टोर कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस में। सो प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, प्रोसेसिंग में क्या क्या होता है, आप वहाँ पे सॉर्टिंग कर सकते हैं, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, समराइजिंग कर सकते हैं, या डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, या फिर सो मैनी और भी ऑपरेशन होते हैं। क्लियर, सो कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आप डेटा एंटर करते हैं और वो हमें रिजल्ट जो प्रोवाइड करेगा उसको, उस पर्टिकुलर रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, जिसको हम आउटपुट भी बोला जाता है। क्लियर, सो ध्यान रखना है हम एंटर क्या करते हैं, रॉ फैक्ट्स एंटर करते हैं जिसको हम डेटा बोलते हैं, मिलता क्या है हमें, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, जिसको हम आउटपुट बोलते हैं। नेक्स्ट है हार्डवेयर, जितना भी कंप्यूटर में आपने हार्डवेयर अटैच किया होता है उस पर्टिकुलर टर्म को पेरिफेरल डिवाइसेस बोला जाता है, वो एक इनपुट डिवाइस भी हो सकता है, वो एक आउटपुट डिवाइस भी हो सकता है, या फिर वो एक मेमोरी डिवाइसेस भी हो सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन से आते हैं आपके पास, जैसे कीबोर्ड है, अब कीबोर्ड से कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि कीबोर्ड में स्टैंडर्ड कीज़ कौन कौन सी होती हैं, मॉडिफाइड कीज़ कौन कौन सी हैं, फंक्शन कीज़ कौन कौन सी हैं, किस की का क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो कीबोर्ड से भी आपने ये लेके चलना है कि कीबोर्ड से भी आपको जो है वो क्वेश्चन बन सकता है। माउस है,
तो माउस कितने टाइप के हैं, ऑप्टिकल है, ट्रैकबॉल है, कौन सा माउस कब बना था, किस कंपनी ने बनाया था, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। स्कैनर है, हैंड हेल्ड स्कैनर होते हैं, फ्लैट बेड स्कैनर है। स्कैनर्स के टाइप्स हैं OCR, OMR, MICR। OCR कौन सा होता है, दैट इज़ ऑप्टिकल करेक्टर रिकोगनाइजेशन, या फिर कई बार रिकोगनाइजेशन की जगह रीडर भी लिखा है, तो दोनों ठीक होते हैं, बट रिकोगनाइजेशन लिखा हो तो आपने रिकोगनाइजेशन को ही यूज़ करना है। ऑप्टिकल मार्क रिकोगनाइजेशन, मैग्नेटिक इंक इंक करेक्टर रिकोगनाइजेशन जो बैंक चेक्स में यूज़ किए जाते हैं। देन माइक्रोफोन, इट इज़ अगेन आ इनपुट डिवाइसेस। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपको बनते हैं। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे मॉनिटर है वो क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, प्लाज्मा, TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। प्रिंटर में दो कैटेगरीज हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो प्रिंटर से आपको 101% जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब दो कैटेगरीज होती हैं प्रिंटर की, वन इज इम्पैक्ट प्रिंटर एंड सेकेंड वन इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सी होती हैं, जहाँ पे पिंस जो है वो पेज को टच करती हैं, ठीक है, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, जैसे लेजर प्रिंटर है। प्रिंटर से 101% एक क्वेश्चन जो है वो आपको जरूर बनेगा। हो सकता है कि आपको कुछ प्रिंटर्स दिए हों, आपको बोलेंगे जी इनमें से कौन सा जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर है या कौन सा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। देन नेक्स्ट है स्पीकर, हेडफोन, प्लॉटर्स। प्लॉटर्स क्या होते हैं, जो बड़े बड़े होल्डिंग्स सड़कों पर लगे होते हैं, वो हम बेसिकली प्लॉटर्स की हेल्प से प्रिंट आउट निकाला जाता है उनका, ठीक है। तो हाई रेजोल्यूशन में प्रिंट आउट निकालने हों, देन वी प्रेफर प्लॉटर्स। देन टच स्क्रीन क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस भी होता है, आउटपुट डिवाइस भी होता है। हार्डवेयर की सेटिंग अगर आपने कंप्यूटर में करनी हो तो हम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को यूज़ करते हैं, जिसको हम बायोस भी बोलते हैं। सॉफ्टवेयर सेटिंग्स हैं, सॉफ्टवेयर सेटिंग्स अगर आपने करनी हो तो कंट्रोल पैनल से की जाती हैं। मदरबोर्ड को हम इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी बोलते हैं। मदरबोर्ड में नंबर ऑफ पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं, कौन सा पोर्ट क्या काम करता है, जैसे आपने HTTP सुना होगा, तो ये पोर्ट जो है वो 80 नंबर पोर्ट पर काम करता है। सिमिलर वैसे FTP है, तो FTP किस पोर्ट पर काम करता है, FTP जनरली 21 पे काम करता है, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, वो 25 पे काम करता है। सिमिलर वैसे ही टेलनेट जो है वो 23 पे काम करता है। तो ऐसे टर्म्स हैं, कौन सी टर्म्स किस पर्टिकुलर पोर्ट पे काम करती है, टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने हैं, कौन से रजिस्टर्ड पोर्ट्स होते हैं, कौन से अनरजिस्टर्ड पोर्ट होते हैं, पोर्ट्स हैं, कौन से पोर्ट्स को नॉर्मल यूजर्स यूज़ कर सकते हैं, कौन से पोर्ट्स को नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम बाद में करेंगे जब हम पोर्ट्स को डिस्कस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर से 101% क्वेश्चन आएगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से हैं। तो सॉफ्टवेयर की बेसिकली दो कैटेगरीज होती हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो हार्डवेयर को रन करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है, इसीलिए इसका नाम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर रखा जाता है। जो हार्डवेयर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि ड्राइवर्स हैं किसी चीज़ के, तो वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए जाते हैं, जैसे कि MS Word है। तो MS Word का क्या काम है, हम डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। आप कैलकुलेशंस MS Word में नहीं कर सकते, आप कैलकुलेशंस करेंगे देन यू को आपको जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा कहाँ पे, एक्सेल पे, क्लियर। तो एक्सेल में आप कैलकुलेशंस करेंगे। सिमिलर वैसे ही प्रेजेंटेशन अगर आपने बनाने हैं तो आप पावर पॉइंट पे, ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ जिससे हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं, पेंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे हम इमेजेस को एडिट करते हैं, क्लियर। सो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर से बेस्ट एग्जांपल जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप हार्डवेयर को यूज़ नहीं कर सकते, क्लियर। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है ओनली देन यू विल बी एबल टू यूज़ कंप्यूटर, क्लियर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने डेवलप किया है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें पढ़नी है। मेमोरी यूनिट है, मेमोरी यूनिट से 101% दो या तीन क्वेश्चन जो है वो आपको पेपर में पूछे जाएंगे। मेमोरी यूनिट्स दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के में जिसमें आते हैं हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव्स आ गई जिसको हम USB भी बोलते हैं, CD आ गया, कॉम्पैक्ट डिस्क। CD की तीन कैटेगरीज होती हैं, उसको हम फर्दर करेंगे। DVD है, DVD की आगे तीन कैटेगरीज होती हैं जिसको हम फर्दर करेंगे। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, कई बार इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी लिखा होता है, सो दैट इज रॉन्ग, दिस इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, क्लियर। प्राइमरी मेमोरी में दो मेमोरी हैं, रैम एंड रोम। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से आपको 101% पूछा जाएगा, दैट इज कि कौन सी मेमोरी जो है वो वोलेटाइल होती है, या फिर इससे रिलेटेड घुमा फिरा के आपको जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रैम क्या है, एक वोलेटाइल मेमोरी है। रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल क्या होती है, जो चेंज होती रहती है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कंप्यूटर स्टार्ट किया तो इस टाइम रैम में कंटेंट है, जैसे ही मैं कंप्यूटर को शट डाउन कर दूंगा रैम आपकी खाली हो जाएगी। बट रोम में जो इंस्ट्रक्शंस कंपनी या मैन्युफैक्चरर ने लिखी हैं, जो जिसने रोम
को बनाया है उसमें जो इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे लिखी हैं, तो रोम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि लाइट है कि नहीं है, कंप्यूटर शट डाउन है कि नहीं है, तो रोम में जो लिखा है वो परमानेंटली वहाँ पे रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं नॉन वोलेटाइल, कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर एस रैम को जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, रैम की दो कैटेगरीज हैं, एस रैम डी रैम, स्टैटिक रैम बोलते हैं, डी रैम होती है डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोला जाता है, इसलिए क्योंकि इन दोनों मेमोरीज के बेस पे कंप्यूटर जो है वो रन करता है, इसलिए प्राइमरी मेमोरी होती है ये। सेकेंडरी मेमोरी को कई बार ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं या नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है, क्लियर। रोम की फर्दर तीन कैटेगरीज होती हैं, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी विच इज़ ई पी रोम, डबल ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी। तो रोम की तीन कैटेगरीज होती हैं, ध्यान रखना। प्रोग्रामेबल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको पता है कि रोम क्या बेसिकली चिप्स होती हैं, ठीक है, और इन चिप्स को मेनली जो कंपनी बनाती है दैट इज़ इंटेल, तो इंटेल ने जब फर्स्ट टाइम रोम को मैन्युफैक्चर किया होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जैसे जो डाल दिया वही परमानेंट उसमें रहेगा। दूसरा नेक्स्ट केस क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी, तो इसको हम एक बार जो है वो इरेज कर सकते हैं, ठीक है, अंडर द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। जो डबल ई पी रोम है इसका मतलब क्या है कि हम जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है उसको एक बार जो है वो फिर से इरेज कर सकते हैं, बट कैसे इरेज करेंगे, इलेक्ट्रिकली इरेज करेंगे, तो वहाँ पे लिखा जाएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये है दूसरी चीज़ जो मैंने आपके साथ आज डिस्कस करनी थी, दैट इज़ टास्क बार। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टास्क बार, टास्क बार जो सबसे बॉटम में प्रेजेंट होता है। टास्क बार को हम बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे टास्क बार प्रेजेंट होता है, बॉटम में। इस टास्क बार को हम राइट साइड भी मूव कर सकते हैं, लेफ्ट साइड भी मूव कर सकते हैं, और टॉप में भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये लॉक देखिए, लॉक लगाया हुआ, लॉक को आप हटाओ और इसको जहाँ मर्जी आप मूव कर दो, यहाँ कर दिया, फिर यहाँ मूव कर दिया, फिर यहाँ पर मूव कर दिया, ठीक है। तो वो आपकी अपनी इच्छा है जहाँ पे आप इसको मूव कर सकते हैं, बट कंडीशन जो मैंने आपको बताई कि ये जो लॉक लगा था वो वहाँ पे नहीं होना चाहिए, ओनली देन यू कैन मूव टास्क बार। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टास्क बार, अब मेरा बेसिकली ये बनाने का आपको जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप डिटेल में पढ़ो चीज़ों को और उससे आपको जो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं। सो टास्क बार की जो मेन डिवाइड होता है टास्क बार वो फोर पोर्शन में डिवाइड होता है, एक स्टार्ट है, एक क्विक लॉन्च जहाँ पे ये आइकन्स बने होते हैं, इनको हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसको हटाना है हटा दो, जिसको लगाना है आप लगा सकते हैं। मेन टास्क बार में क्या होता है, सारी की सारी विंडो जो है वो मिनिमाइज होकर वहाँ पे आ जाती हैं, जो भी एप्लीकेशन आपने खोली होती है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि सिस्टम ट्रे की पोजीशन आपको पूछी जा सकती है कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब जिसको पता होगा कि सिस्टम ट्रे क्या होती है वो आंसर दे देगा, जिसको पता नहीं होगा कि सिस्टम ट्रे क्या है, तो सिस्टम ट्रे क्या है, जहाँ पे कंप्यूटर का टाइम शो होता है, टाइम शो होता है, नेटवर्क शो होता है, स्पीकर का साइन आता है, और ये सारी चीज़ें कहाँ पर आती हैं, राइट साइड में बॉटम में शो होती हैं, ठीक है। तो टास्क बार इज बेसिकली डिवाइडेड इंटू फोर पोर्शन, फर्स्ट स्टार्ट, क्विक लॉन्च, मेन टास्क बार और सिस्टम ट्रे। अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मान लीजिए देखिए कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने यहाँ पे ओपन करके रखी हुई हैं, ठीक है, और एक दो एप्लीकेशंस मैंने और ओपन कर दी है। अब शॉर्टकट कीज पे भी हम काम करेंगे, शॉर्टकट कीज भी मैं आपको बताऊँगा, एक एक करके सारे टॉपिक्स को हमने पिक करना है। अब मान लीजिए ये इतनी सारी विंडोज़ मैंने ओपन की हैं, मुझे एक साथ इन सारी विंडोज़ को जो है वो मिनिमाइज़ करना है, तो इस पर्पज़ से हम यूज़ करते हैं विंडो का साइन यूज़ करेंगे और एम यूज़ कर लेंगे, इससे क्या होगा कि जितनी भी स्क्रीन्स आपने ओपन की होंगी वो सारी की सारी मिनिमाइज हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसी को अगर आपने फिर से रिवर्ट करना हो कि आपको अब ये सारी स्क्रीनें जो है वो दोबारा से ओपन कर देनी है, तो आपने क्या प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट और फिर से एम, क्लियर। सो मिनिमाइज करने के लिए विंडो एम, और फिर से स्क्रीन को मैक्सिमाइज करने के लिए विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम, ये प्रेस करेंगे आप तो स्क्रीन जो है वो आपकी दोबारा से मैक्सिमाइज हो जाती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये थोड़ा सा मैंने डिस्कस करना था, दैट इज़ मेमोरी हायरार्की, ये आपने ध्यान रखना है। 101% कैशे मेमोरी से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कैशे मेमोरी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो आपने ध्यान रखना है कैशे मेमोरी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कैशे मेमोरी रजिस्टर और मेन मेमोरी के बीच में भी प्रेजेंट होती है, तो ये भी सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, दैट इज़ रजिस्टर, उससे स्लो कैशे, उससे स्लो मेन मेमोरी, उससे स्लो सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो ऐसे जो है वो मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। सेकेंडरी कौन सी हुई, जो हम हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD, DVD वगैरह यूज़ करते हैं, ये सारी की सारी सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं, और इनको ही ऑक्सिलरी मेमोरी बोला जाता है। फ्लैश मेमोरी की बात करें तो फ्लैश मेमोरी जो है वो आपकी USBs होती हैं, जिसको हम पेन ड्राइव बोलते हैं। मेन मेमोरी में है आपके पास रैम और रोम, ठीक है,
और कैशे मेमोरी है जिसको हम कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। पहले जो कंप्यूटर्स थे वहाँ पे कैशे का कंसेप्ट नहीं था, आजकल जितने भी कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स आते हैं, इवन आपके जो मोबाइल फोन्स आते हैं, वहाँ पे कैशे मेमोरी का कंसेप्ट जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद सीपीयू के अपने रजिस्टर्स, तो जो चीज़ सीपीयू की सबसे ज़्यादा क्लोज होगी वो उतनी ही फास्ट होती है, ये ध्यान रखना है। सेकेंडरी मेमोरी सबसे दूर है, इसलिए सीपीयू को टाइम लगता है वहाँ से चीज़ों को एक्सेस करने के लिए, इसलिए वो स्लो होती है, ठीक है। रजिस्टर जो है वो सीपीयू के सबसे फास्ट हैं, इसलिए वो सबसे फास्ट हैं। और उसके बाद कैशे मेमोरी, उसके बाद मेन मेमोरी एंड सो ऑन। सो इस ऑर्डर में मेमोरी जो है वो इंक्रीज कर दी है, और इस ऑर्डर में मेमोरी की कॉस्ट जो है वो डिक्रीज कर दी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको हम टॉपिक्स को एक बार फिर से जो है वो कवर करेंगे। एक एक छोटा छोटा टॉपिक जो है वो आपने डिटेल में पढ़ना है, और मैं आपको पढ़ाऊंगा, और उसके बाद उनके हम एमसीक्यूज को भी डिटेल में करेंगे। सो ये मेरा पहला लेक्चर था, और इस लेक्चर को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और शेयर करने के बाद फिर जो जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है जी। तो एक एक टॉपिक पिक करेंगे, टॉपिक पिक करने के बाद नेक्स्ट उस टॉपिक से रिलेटेड हमने एमसीक्यूज जो है वो करने हैं। टिल देन थैंक यू, धन्यवाद।